नमस्कार, आज का हमारा टॉपिक है लार्ज इंटेस्टाइन। और आज हम इस लेक्चर में समझेंगे कि लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत हमारे पेट में या हमारे शरीर में क्या काम करती है और ये कैसी दिखती है और इसे बड़ी आंत क्यों कहते हैं। तो आइए इधर देखते हैं। अगर हम यहाँ पे देखें, एक स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक रस्सी जैसा स्ट्रक्चर जो कि ऐसे कुछ घुमा हुआ सा है, इसी को बेसिकली बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। ये हमारे पेट में यानी कि हमारे एब्डोमिनल कैविटी में उपस्थित होती है। आप सभी को पता है हमारे एब्डोमिनल कैविटी को पेट बोलते हैं या पेट या एब्डोमिनल कैविटी दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, मैंने पिछले लेक्चर में आपको स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में पढ़ाया था। उसके पिछले लेक्चर में मैंने स्मॉल इंटेस्टाइन के सभी पार्ट के बारे में, अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो उसमें ड्यूडनम पार्ट होता है, उसका सेकंड पार्ट होता है जेजनम, उसके बाद इलियम होता है। इलियम के बाद जब खाना डाइजेस्ट होने के बाद, पूरी तरह एब्जॉर्ब होने के बाद, कुछ चीज़ें जो बेसिकली बच जाती हैं उनका एब्जॉर्प्शन हो सके, उसके लिए जब इलियम से आगे बढ़ता है तो जिस हिस्से में आता है उसको बेसिकली बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन या बड़ी आंत। अब देखिए, यहाँ समझिए, ये हमारा इलियम है जो हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। ये जिस हिस्से में आके जुड़ता है उसको बोलते हैं सीकम। उसको क्या बोलते हैं? सीकम। सीकम लार्ज इंटेस्टाइन का ही सबसे निचला भाग या सबसे पहला भाग होता है। ऐसे तो लार्ज इंटेस्टाइन को कई भागों में बांटा जा सकता है, हालांकि इसके कई अलग अलग टुकड़े नहीं है, अलग अलग सेगमेंट नहीं है, एक ही लार्ज इंटेस्टाइन है बड़ी सी। उसी को हम स्टडी करने के तौर पे हम समझ सकें इसके लिए और इसकी पोजीशन को हम अच्छे से जान सकें, इसके लिए कई भागों में हम इसे बांट देते हैं। ठीक है, तो इसका जो पहला भाग होता है उसको बोलते हैं सीकम। और ये जिस जगह पे इलियम आके जुड़ा होता है, यहाँ पे एक वॉल, मैंने आपको पहले भी लेक्चर में बताया है कि जिन भी जगहों पे दो पाइप या दो ऑर्गन आपस में जुड़ेंगे वहां पे एक वॉल्व लाइक स्ट्रक्चर बन जाएगा, उसको बोलेंगे वॉल्व या स्फिंक्टर बोलते हैं। मैंने आपको पहले भी बताया है, जब मैं स्टमक पढ़ा रहा था वहां भी मैंने बताया था, वहां से ही मैंने स्टार्ट किया था बताना आपको। जिन्होंने भी नहीं देखा वो जाके पिछले लेक्चर को देख ले, मेरे प्ले लिस्ट में है, उसको आप सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, तो जिस जगह पे भी दो ऑर्गन या दो पार्ट आपस में जुड़ रहे होते हैं उसको बोलते हैं स्फिंक्टर। वहां पे एक वॉल्व लगा होता है उसको बोलते हैं क्या? स्फिंक्टर बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे एक वॉल्व लगा होगा, वॉल्व जैसा स्ट्रक्चर जो कंट्रोल करेगा कि फूड अचानक से ढेर सारा अंदर ना आ जाए, धीरे धीरे से अंदर आए और धीरे धीरे से आगे बढ़ता रहे। तो यहां पे जो वॉल्व होगा उसको बोलेंगे स्फिंक्टर। और चूंकि ये इलियम और सीकम का वॉल्व है इसलिए इसको बोलेंगे इलियोसीकल वॉल्व, वॉल्व या स्फिंक्टर। ठीक है, समझिए, ये जिस जगह पे इलियम आकर के कनेक्ट हो रहा है लार्ज इंटेस्टाइन से उस हिस्से को बोलते हैं इलियोसीकल वॉल्व या इलियोसीकल स्फिंक्टर। और जिस हिस्से में लार्ज इंटेस्टाइन के जिस हिस्से में आके जुड़ता है उस हिस्से को बोलते हैं सीकम। अब जैसे ही हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, ये बेसिकली इसी तरह से लगी होती है। अगर हम स्टमक से बात करें तो राइट साइड से ऐसे स्टार्ट होती है, ऊपर आती है, उसके बाद फिर नीचे जा करके रेक्टम के पार्ट में यानी कि यहाँ पे जा करके मिल जाती है और एनस के हिस्से से ये बाहर की तरफ ओपनिंग करती है। ठीक है, तो बेसिकली अब हम आगे जब बढ़ेंगे सीकम के हिस्से से, जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये मैं देख पा रहा हूँ कि आप भी देख पा रहे हैं कि ये हिस्सा ऊपर की तरफ जा रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था जो हिस्सा ऊपर की तरफ जाता है उसको बोलते हैं एसेंडिंग, जो हिस्सा नीचे की तरफ उतरता है उसको बोलते हैं डिसेंडिंग। तो चूंकि ये ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए इसको बोलेंगे एसेंडिंग। अब चूंकि देखिए, एक बात यहाँ पे और समझ लीजिए कि ये जो पूरा लार्ज इंटेस्टाइन है बड़ी सी, इसकी अगर हम लेंथ की बात करें, लेंथ की बात अभी नहीं करते हैं, पहले हम पार्ट के बारे में बात कर लेते हैं फिर मैं लेंथ के बारे में बताता हूं। ठीक है, अगर हम इस पूरे लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में बात करें तो इसका दूसरा नाम होता है, दूसरा नाम वो होता है कोलोन या कोलन बोल सकते हैं आप। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन का दूसरा नाम कोलोन या कोलन भी होता है। ठीक है, तो आगे जब हम आगे नामों की जब चर्चा करेंगे या हम आगे के नामों को जब स्टडी करेंगे तो वहां हम एक वर्ड का यूज करेंगे कोलन, तो उसे कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि कोलन किसको कहते हैं? लार्ज इंटेस्टाइन को ही कोलन कहते हैं। ठीक, अब जबकि हम सीकम से ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम ये असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं। असेंडिंग ऑर्डर में किस में जा रहे हैं? कोलन में जा रहे हैं या लार्ज इंटेस्टाइन में जा रहे हैं?
तो लार्ज इंटेस्टाइन एक बड़ा बड़ा हिस्सा, एक बड़ा नाम हो जाता है, उसको कोलन बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, कोलन, या फिर साइंटिफिक लैंग्वेज में हम उसको कोलन बोलते हैं। तो कोलन में हम असेंडिंग ऑर्डर में जा रहे हैं, इसलिए इस हिस्से को क्या बोलेंगे, असेंडिंग कोलन। क्या बोलेंगे इसको, असेंडिंग कोलन बोलेंगे। मैं यहां पे एक चीज और क्लियर करता चलूं, ये जो सीकम का हिस्सा है ये थोड़ा सा, ये देखिए आपको यहाँ पे कई कई सारे सेगमेंट में दिख रहे होंगे, एक छोटा सा सेगमेंट ये है, फिर ये है, फिर ये है, फिर ऐसे करके कई सारे सेगमेंट्स में टूटा हुआ है या फिर ब्रेक किया हुआ है। इसको मैं बताऊंगा इसका फंक्शन क्या होता है, क्यों उसको सेगमेंट में, ये अलग अलग सेगमेंट में बना हुआ है, ठीक है। आप देख पा रहे होंगे कि ये सारे सेगमेंट छोटे हैं, ये वाला एक सेगमेंट थोड़ा सा बड़ा होता है, वो ये जो सीकम का हिस्सा होता है इसका सेगमेंट एक ही सेगमेंट में होता है ये, और ये थोड़ा सा बड़ा हिस्सा होता है। अगर इसके हम लेंथ की बात करें तो ये होता है कितना, 5 to 6 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है, 5 to 6 सेंटीमीटर की ये सीकम का हिस्सा, ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है ये 5 से 6 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब हम जब ऊपर की तरफ चलेंगे तो उसको बोलेंगे असेंडिंग कोलन, ठीक है, असेंडिंग कोलन। उसके बाद अब मैंने बताया था आपको, पहले भी बताया है कि जिस जगह पे कोई भी पार्ट, कोई भी ऑर्गन, कोई भी पाइप जैसा स्ट्रक्चर जो हमारी बॉडी में उपस्थित है, जहां भी वो बेंड होगा, जहां भी वो मुड़ेगा, उस हिस्से को फ्लेक्सर बोलते हैं। मैं आपको पहले भी बताया हुआ है, अगर आपको नहीं पता, अगर आपने नहीं देखी मेरे पहले की वीडियो, तो आप यहां समझ लीजिए कि जो भी हिस्सा कहीं से मुड़ा हुआ होता है, चाहे वो स्टमक की बात हुई हो, चाहे वो ड्यूडनम की बात हुई हो, चाहे वो इलियम की बात हुई हो, चाहे जेजनम की बात हुई हो, ठीक है। तो मैंने पहले भी कई जगहों पर चर्चा की है कि जो हिस्सा कहीं से बेंड होता है, कहीं से मुड़ता है, उस हिस्से को, यानी कि जिस हिस्से में मुड़ा हुआ हिस्सा आता है, जैसे आपने देखा होगा पाइप को ऐसे बेंड कर दीजिए, है ना, पाइप को जब बेंड कर देंगे तो जो बेंड वाला हिस्सा है उसको बेसिकली बोलते हैं फ्लेक्सर। क्या बोलते हैं उसको, फ्लेक्सर बोलते हैं। आप समझिए यहां पे ये हिस्सा, इसको बोलते हैं कोलन, यानी कि पूरे को बोलते हैं कोलन, कोलन। अब चूंकि मैंने बताया कि राइट साइड से स्टार्ट हो करके ये फिर ऊपर जाती है, फिर ऊपर से आकर के फिर से नीचे जाती है, तो ये लेफ्ट साइड में हो जाता है। तो स्टार्टिंग हमारी कहाँ से हो रही है, राइट साइड में। तो ये वाला हिस्सा किधर है, ये राइट साइड का हिस्सा है। राइट साइड के हिस्से में यहाँ पे एक टर्न आ गया है, इसको बोलेंगे फ्लेक्सर। तो यहाँ पे हमने दो चीजें सीख ली कि राइट साइड के हिस्से में फ्लेक्सर है, इसलिए बोलेंगे इसको राइट फ्लेक्सर। अब चूंकि कोलन में फ्लेक्सर आया है, कोलन में मोड़ आया है, राइट साइड के कोलन में मोड़ आया है, तो उसका पूरा नाम अगर हमको देना होगा, या पूरी इस पूरे कंडीशन को, या इस पोजीशन को अगर हमको ध्यान, अगर हम किसी को बताएं, जैसे होता नहीं कि हमें मान लीजिए किसी बारे, किसी ऑर्गन के बारे में या किसी प्लेस के बारे में बताना है, तो उसका अगर एग्जैक्ट नाम बता दिया जाए तो लोकेशन को ढूंढना आसान हो जाता है, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे भी है, इसका एक एग्जैक्ट नाम लिखने के लिए इसकी पोजीशन क्या है, राइट पोजीशन है। ये यहाँ पे टर्न है, टर्न को बोलते हैं फ्लेक्सर, या बेंड को बोलते हैं फ्लेक्सर, या मुड़े हुए हिस्से को बोलते हैं फ्लेक्सर। और चूंकि ये कोलन में है इसलिए बोलेंगे कोलिक, तो ये हो जाएगा राइट कोलिक फ्लेक्सर, ठीक है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं, यानी कि ये जो राइट हिस्सा है, जब आगर के आगे, यानी कि जब असेंडिंग कोलन आगे बढ़ेगा, जहां से मुड़ जाएगा, उस हिस्से को बोलेंगे राइट कोलिक फ्लेक्सर, ठीक है। अब राइट कोलिक फ्लेक्सर से, यानी कि राइट कोलिक फ्लेक्सर से जब आगे की तरफ हम बढ़ेंगे, तो हम यहां देख पा रहे हैं ऐसा झुकाव सा, या कर्व जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ, कर्व जैसा स्ट्रक्चर। एक्चुअली होता क्या है, अब कोई भी चीज, आपने रस्सी बांधी, रस्सी कभी अगर आप रस्सी को बांधते या तार बांधते हैं, तो एक हिस्से से बांध दिए दूसरे हिस्से से, आप देखेंगे कैसे झुकाव आ जाता है हल्का सा, ना ऐसे एक लचक आ जाती है। तो सेम लचक यहाँ पे भी आएगी, क्यों, क्योंकि इसके अंदर फूड भरा होता है, ये हैवी हो जाता है, इसलिए सीधा स्ट्रेट नहीं रह पाता स्टमक में, भाई फ्लेक्सिबल है ना ये, तो थोड़ा सा झुक जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे झुका हुआ स्ट्रक्चर बनाया है। और आप अगर रियल फिगर में भी देखेंगे, तब भी चूंकि ये एक क्या कहते हैं मस्कुलर पाइप है, मस्कुलर मसल सेल की बनी हुई है, तो मसल सेल की बनी है, और इसके अंदर फूड भरा होता है, जो काइमा हमारा एब्जॉर्ब करने के लिए भरा होता है, मैं बताऊंगा आगे, तो इस वजह से ये थोड़ा सा झुक जाता है, इसलिए इसका कर्व जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। अब इस कर्व जैसे स्ट्रक्चर को बोलते हैं ट्रांसवर्स कोलन। क्या बोलते हैं इसको, ट्रांसवर्स। इस पोजीशन को आपने फिजिक्स में भी ये पोजीशन पढ़ी होगी, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन, जो ऐसे चलती हो उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स पोजीशन। तो चूंकि ये जो कोलन है, ये पूरा का पूरा कोलन है, कोलन का ये हिस्सा जो ट्रांसवर्स कंडीशन में है, इस तरह की कंडीशन में है,
ठीक है, उसको बोलेंगे ट्रांसवर्स कोलन। देखिए इसके नाम को याद करना बहुत आसान है, कुछ टफ नहीं है, बहुत आसानी से आप याद कर सकते हैं। यहाँ मैंने बताया कि स्टार्टिंग में यहाँ पे सीकम है, यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में मिल रही है, जिस जगह भी मिल रही है वहाँ पे आपको मैं पहले बता चुका हूँ, वहाँ पे स्फिंक्टर बनेगा या वॉल्व लगा होगा। तो चूंकि यहाँ पे सीकम में कौन सा लग रहा है, इलियम आके जुड़ रहा है और यहाँ पे वॉल्व हो गया, इस वॉल्व का नाम हो जाएगा क्या, इलियोसीकल वॉल्व या इलियोसीकल स्फिंक्टर, दोनों में से कोई भी अगर आता है तो आप सही करिएगा, ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो ऊपर जाएंगे हम, क्योंकि ये हमारी नीचे से शुरू के ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा ये ऊपर की तरफ ऐसे पोजीशन तो होती है लेकिन इससे हमें हेल्प क्या मिलती है, ठीक है। तो अब ये ऊपर की तरफ जा रही है तो मैंने बताया था कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर होगा, इसलिए असेंडिंग कोलन हो गया। चूंकि इस पूरे हिस्से को कोलन बोलते हैं या लार्ज इंटेस्टाइन को कोलन बोलते हैं, इसलिए असेंडिंग ऑर्डर में, तो ये असेंडिंग कोलन हो गया। यहाँ पे चूंकि ये राइट हिस्से का, ये राइट पार्ट में होता है, हमारे बॉडी के राइट हिस्से में होता है ये, तो ये राइट हिस्सा हो गया। बेंड को फ्लेक्सर बोलते हैं, बेंड को फ्लेक्सर बोलते हैं, कोलन में एक फ्लेक्सर आया है राइट साइड में, इसलिए बोलेंगे राइट कोलिक फ्लेक्सर। उसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो ये एक ट्रांसवर्स कंडीशन बन जाएगी, ऐसे सीधी स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट नहीं, थोड़ा सा ऐसे कर्व होकर के जाएगी, ट्रांसवर्स कंडीशन बनेगी इस कोलन की, इसलिए बोलेंगे इसको ट्रांसवर्स कोलन। इतना बात एकदम क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब चूंकि यहाँ पे भी एक आपको बैंड दिख रहा होगा, यहाँ पे एक मोड़ था, यहाँ पे भी एक मोड़ है, चूंकि अब ये कोलन नीचे की तरफ जाएगा तो यहाँ पे देखिए ये जो बीच का हिस्सा, ये हॉलो हिस्सा दिख रहा है, इस नाम को भी मत ध्यान दीजिए, ये हॉलो हिस्सा, खाली हिस्सा दिख रहा है, इसी में स्मॉल इंटेस्टाइन पूरी तरह से भरा हुआ होता, कॉइल्ड होता है ना, आपको मैंने पढ़ाया है पहले ही, ठीक है। कॉइल्ड स्ट्रक्चर करीब 20 फीट का इसके अंदर भरा हुआ होता, इसी के अंदर पूरा का पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है, ठीक है, आप समझिए। अब देखिए यहाँ पे एक बैंड आ गया। अब चूंकि हम राइट से चल करके लेफ्ट में ट्रांसवर्स कंडीशन के बाद हम लेफ्ट पोजीशन में आ गए, तो चूंकि ये लेफ्ट हिस्से में है और ये लेफ्ट हिस्से में हो गया, इस बैंड को क्या बोलते हैं, फ्लेक्सर बोलते हैं, और इस पूरे हिस्से को क्या बोलते हैं, कोलन बोलते हैं, तो इसलिए इस कोलन का पार्ट हो गया कोलिक, लेफ्ट साइड में है इसलिए लेफ्ट, और जो कि ये मोड़ है इसलिए इसको बोलेंगे फ्लेक्सर, इसलिए इसको इसका पूरा नाम हो गया लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। क्या हो गया, लेफ्ट कोलिक फ्लेक्सर। देखिए मैं दो तीन बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए, इसमें रटना कुछ नहीं है, समझना है, ठीक है ना, बहुत आसान है, आप बस इधर चलते जाइए, ऐसे चलते जाइए, आपको सारे नाम याद हो जाएंगे। ऐसे भी फ्लेक्सर का नाम आपको मैंने पहले ही बताया कई बार, स्फिंक्टर का नाम पहले ही बताया आपको, डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ट्रांसवर्स आप पहले ही फिजिक्स में पढ़ चुके हो, तो इसमें कुछ नया नहीं है, बस समझते जाइए, ठीक है, आप समझिए। अब यहाँ से टर्न से जब हम आगे बढ़ेंगे, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो मैंने पहले ही बताया था कि जब ऊपर जाएंगे तो असेंडिंग ऑर्डर, जब नीचे जाएंगे तो डिसेंडिंग ऑर्डर, इसलिए इस कोलन के हिस्से को क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलन। क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग कोलन, ठीक है, अब समझिए। यहां से जब थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं एस जैसा स्ट्रक्चर बन जा रहा है, आपने एस देखा है ना, कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं एस, तो ये वाला हिस्सा आप इस चीज को नोटिस कीजिए, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कुछ कॉमन नहीं दिख रहा आपको, एस का ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा कुछ कॉमन दिख रहा है ना, तो इसलिए इसको एस शेप्ड स्ट्रक्चर बोलेंगे, एस शेप्ड, ठीक है, यहां से लिया गया इसलिए एस शेप्ड स्ट्रक्चर। आपके पास क्वेश्चन भी ऐसा बन सकता है कि ये एक स्ट्रक्चर कैसा होता है जिसको बोलेंगे एस शेप्ड स्ट्रक्चर, इसीलिए इसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलन, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, सिग्मोइड कोलन। उसके आगे जब हम बढ़ेंगे तो यहां पे आ जाएगा ये एक थैली या फिर एक मस्कुलर पॉकेट जैसा स्ट्रक्चर, एक बैग जैसा स्ट्रक्चर यहां पे आ जाएगा, यहां थोड़ा पिचका हुआ सा है, हालांकि थोड़ा सा हल्का सा ऐसे होता है ये, ठीक है, तो यहां पे एक मस्कुलर थैले जैसा स्ट्रक्चर या पाउच जैसा स्ट्रक्चर आ जाएगा जिसको हम बोलेंगे रेक्टम। उसके बाद यहां पे एक वॉल्व होगा या क्या कहते हैं स्फिंक्टर होगा, जहां से आपकी जो पॉटी है या जो स्टूल है वो पास आउट हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, वो उसको छोड़ देगा हमारी बॉडी को। आप जो टॉयलेट जाते हैं तो बेसिकली यहां से हमारा जो स्टूल है वो पास आउट हो जाता है, ठीक है, तो इस जगह पे जो वॉल्व होता है उसको बोलते हैं एनस, उसके ऊपर का स्ट्रक्चर ये हो गया रेक्टम। रेक्टम एक तरह की थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आकर के कुछ दूर तक, कुछ देर तक स्टूल यहां पे स्टोर हो सकता है, ठीक है। चलिए तो अब हमने समझ लिया इसके पूरे स्ट्रक्चर के बारे में। हाँ, एक और चीज़ छूट गई, यहाँ पे आप छोटा सा एक स्ट्रक्चर देख पा रहे होंगे,
अपेंडिक्स मैंने लिखा हुआ है। अपेंडिक्स बेसिकली जितने और एनिमल्स होते हैं जो क्या कहते हैं, जो घास चरते हैं या जिनकी जिनकी जो पोजीशन होती है वो ट्रांसवर्स होती है, जैसे गाय वगैरह होते हैं ना चार पैर से चलने वाले, जितने भी चार पैर से चलने वाले जानवर होते हैं, मैं आगे पढ़ाऊंगा उसको, फिर भी यहाँ पर थोड़ा बता देता हूँ कि जितने भी जानवर होते हैं जो चार पैरों से चलते हैं तो उनकी जो लार्ज इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, वो इस पोजीशन में नहीं रहती, वो कुछ ऐसे लेटी हुई सी रहती है, ठीक है। तो वहाँ पे डाइजेशन बहुत अच्छे से नहीं हो पाता है, तो ये बेसिकली कुछ हार्मोन सिक्रीट करता है, कुछ एंजाइम सिक्रीट करता है और ये डाइजेशन में हेल्प करता है। अब चूंकि ह्यूमन भी पहले चारों पैर से चला करते, मतलब हाथ पैर मिला के चला करते थे, ठीक है, तब इनके अंदर अपेंडिक्स जो था वो डेवलप कंडीशन में था, ये इसका भी काम होता था बेसिकली एब्जॉर्प्शन और कुछ हद तक डाइजेशन करना, लेकिन चूंकि हम खड़े होके चलने लगे तो इसलिए हमारी जो ये लार्ज इंटेस्टाइन है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी पोजिशन चेंज हो गई, तो सारा कुछ इसी के अंदर हो जाता है, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, ज़रूरत ना पड़ने की वजह से ये धीरे 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 छोटा हो गया है। आपने सुना होगा आपके गांव घरों में या फिर किसी का भी आपने सुना होगा अपेंडिक्स का ऑपरेशन होता है तो किसी वजह से इस अपेंडिक्स की साइज थोड़ी बढ़ जाती है और वो यहाँ साइड में, ठीक है, राइट साइड में होता है अपेंडिक्स, तो यहाँ साइड में हमारे अंदर के इंटरनल ऑर्गन से टकराने लगता है, वो जब टकराने लगता है तो दर्द होने लगता है उस वजह से, ठीक है, तो इस वजह से हमें ऑपरेशन करके ये आराम से इसको काट करके इसको निकाल दिया जाता है। तो ये अपेंडिक्स का जो ऑपरेशन होता है उसमें बेसिकली इसी को कट करके निकाल देते हैं, ठीक है। अभी चूंकि हम लोग खड़े होकर चलते हैं, दो पैरों पर चलते हैं, इसलिए हमको अपेंडिक्स की कोई ज़रूरत नहीं होती, इसलिए छोटा हो गया है, ठीक है, हो सकता है फ्यूचर में ये पूरी तरह से ख़त्म हो जाए, तो अपेंडिक्स ये रहा पूरी तरह से, ठीक। चलिए अब हम दो तीन चीज़ों पे और अच्छे से बात कर लेते हैं। पहले बात कर लेते हैं कि इसको लार्ज इंटेस्टाइन क्यों बोलते हैं, ठीक है, समझिएगा। जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो आप समझ, वो आपने देखा होगा कि 20 फीट की होती है, ठीक है, 5 से 6 मीटर की होती है स्मॉल इंटेस्टाइन, और जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो लेंथ होती है वो लेंथ में कहाँ पर लिखूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, आई होप आपको ये पूरा मिटा दें, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट, ये तो आपने समझ लिया, चलिए यहां देखिए, अगर मैं उसके लेंथ की मैं चेंज कर लूं, मार्कर ब्लू ले लूं, ठीक है, अगर हम उसके लेंथ की बात करें, अगर लार्ज इंटेस्टाइन के लेंथ की बात करें तो इसकी होती है 1.5 मीटर या 5 to 6 फीट, ठीक है, ये लेंथ होती है किसकी, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की। अब आप कहोगे कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन थी उसकी तो 20 मीटर या फिर क्या कहते हैं, सॉरी 20 फीट या फिर 5 to 6 मीटर थी और इसकी तो कम है, तो आप इसको लार्ज इंटेस्टाइन को वो देखिए, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन में जो लार्ज या स्मॉल वर्ड है वो इसकी लेंथ के वजह से नहीं आया है, इसकी ब्रेथ के वजह से आया है, इसकी मोटाई कितनी है उसके ऊपर आया हुआ है। देखिए अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें, स्मॉल की अगर हम बात करें तो उसकी जो ये जो डायमीटर था इसका, भाई एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है ना, तो ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर यहाँ पे जो भरा हुआ था इसका जो था डायमीटर वो कितना था, 2 to 3 सेंटीमीटर था, ठीक है, 2 to 3 सेंटीमीटर था, यानी कि 2 से 3 सेंटीमीटर स्मॉल इंटेस्टाइन का डायमीटर था, ठीक है, समझिए। लेकिन ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसका जो डायमीटर होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, अगर मैं लिखूं लार्ज इंटेस्टाइन का, इसका जो डायमीटर होता है ये होता है 4 to 6 सेंटीमीटर, समझिए, ये होता है 4 to 6 सेंटीमीटर। अगर वो इतना सा था तो ये इतना है, यानी कि इसकी चौड़ाई जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में बढ़ जाती है, इसीलिए इसको लार्ज इंटेस्टाइन बोलते हैं और अंदर जो भरा होता है उसको बोलते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। अच्छा एक और स्ट्रक्चर छोटा सा छूट गया यहाँ पे, ये जो लाइन ऐसे ऐसे आपको दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है बेसिकली, हालांकि मैं बाद में बताने वाला था कि अभी मैं बता दूं, ठीक है, ये जो लाइन आपको दिख रही है यहाँ पे आपने रियल इंटेस्टाइन का जब गूगल पे आप सर्च करके देखेंगे, आपको जो बुक्स में बने होते हैं, यहाँ पे एक लाइन जैसा स्ट्रक्चर होता है उसको बोलते हैं टीनियल कोलाई बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं,
ट्रीनियल कोलाई। ये एक्चुअली होता क्या, एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है और जिस जगह पे ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है ना वहाँ पे एक लकीर जैसी बनती है, थोड़ा सा गहरा, थोड़ा गड्ढे जैसा, गड्ढे जैसा नहीं कह सकते, बहुत हल्का सा गहरा सा यहाँ स्ट्रक्चर होता है। ये बेसिकली एब्जॉर्प्शन की हेल्प करता है, मतलब कि जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में और साल्ट वगैरह का एब्जॉर्प्शन होता है, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा हेल्प करता है और मूवमेंट में भी थोड़ी मदद करता है, ठीक। तो इसलिए ये स्ट्रक्चर बना हुआ होता है, ठीक। इसको बोलते हैं ट्रीनियल कोलाई, ठीक है। इतनी बात क्लियर हो गई। अब देखिए, अब आते हैं कि इसके अंदर मैंने बताया कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन था उसके अंदर जो मूवमेंट होता था जिस वजह से खाना आगे बढ़ता था वो वेव लाइक मूवमेंट होता था, मतलब ऐसे 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 होता था, ठीक है, समझिएगा। वो ऐसा कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ऐसा बनता था, वो वेव जैसा मूवमेंट होता था, वो छोटा मूवमेंट होता था और वो खाने को आगे बढ़ाता था, उसको बोलते थे पेरिस्टाल्सिस, ठीक। स्मॉल इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होता था जिस वजह से खाना आगे बढ़ता था उसको बोलते थे पेरिस्टाल्सिस, लेकिन जो लार्ज इंटेस्टाइन होता है, लार्ज इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं मास मूवमेंट। क्या बोलते हैं इसको? मास मूवमेंट, मास मूवमेंट। अगर आप नोट नहीं करें तो प्लीज नोट कर लें इसको, ठीक है। तो लार्ज इंटेस्टाइन में जो मूवमेंट होता है जिस वजह से खाना आगे बढ़ता है उसको बोलते हैं मास मूवमेंट। तो हमने बात कर ली यहां पे इसकी लेंथ कितनी होती है, इसकी होती है लेंथ 1.5 to 1.6 meters या फिर कुछ जगहों पे 1.8 मीटर तक हो सकती है, या अगर फीट में कहें तो 5 to 6 meters फीट की इसकी लेंथ होती है, ठीक है, इसकी लेंथ बेसिकली होती है। सीकम की जो साइज होती है वो छोटी होती है, वो 5 to 6 centimeters की होती है, मैंने पहले बता दिया आपको, ठीक। अब मैंने बता दिया कि इसके अंदर जो मूवमेंट होता है उसको बोलते हैं मास मूवमेंट, और इस तरह से हमने इसके स्ट्रक्चर के बारे में चीजें समझ ली। अब यहां पे देखते हैं कि इसका बेसिकली काम क्या होता है। अगर हम इसके काम की बात करें तो सारा जो डाइजेशन था, डाइजेशन वो ड्यूडनम और जेजनम मिला के हो गया था, मैंने आपको पहले पढ़ाया है, ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो जो हमारे पेट में, हमारे स्टमक में जो, या फिर हमारे एब्डोमिनल कैविटी में जो फूड आता है वो स्टमक से लेकर के, ठीक, स्टमक से स्टार्ट हो करके जेजनम तक जाते जाते पूरी तरह से उसका डाइजेशन हो चुका होता है। और जो ईलियम का हिस्सा होता है, ईलियम का हिस्सा जो पतला होता है जो यहाँ पे आके जुड़ता है उससे, यानी कि ये जो हिस्सा जेजनम यहाँ पे भरा होता है, यहाँ पे ईलियम भरा होता है और यहाँ पे एक टर्न होता है, इसको बोलते हैं ड्यूडनम, ठीक है। तो ड्यूडनम और जेजनम में मिला करके डाइजेशन का काम कंप्लीट हो चुका होता है। इस हिस्से में जो ईलियम का हिस्सा होता है इसमें पूरी तरह से जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जितने भी शुगर, फॉस्फेट शुगर वगैरह होते हैं, लिपिड्स वगैरह होते हैं, इन सभी का यहाँ पे एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है, ठीक। उसके बाद जब खाना आगे बढ़ता है, यानी कि जो काइम होता है वो आगे बढ़ता है इसमें, यानी कि लार्ज इंटेस्टाइन में, आप कहोगे सब कुछ तो हो गया, अब लार्ज इंटेस्टाइन में आगे क्यों बढ़ेगा? तो लार्ज इंटेस्टाइन में आगे बढ़ने का रीजन ये है कि सभी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन तो हो गया लेकिन दो तीन चीज़ें बच जाती हैं। बेसिकली जो दो तीन चीज़ें हैं उनमें पहला आता है वाटर, ठीक है, पहला आता है क्या? वाटर। दूसरा होता है इलेक्ट्रोलाइट या मैं लिख दूं साल्ट। आपको याद है जब मैंने आपको इंटेस्टाइन पढ़ाया था, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन जब मैंने पढ़ाया था, वहां में मैंने बताया था कि ब्रेस बॉर्डर रिएक्शन होती है। ब्रेस बॉर्डर रिएक्शन में मैंने आपको बताया था कि जो ग्लिसरॉल होता है, फैटी एसिड होता है, उसका एब्जॉर्प्शन आराम से नहीं हो पाता, ठीक। उसका एब्जॉर्प्शन कराने के लिए बाइल साल्ट आता है। तो जो बाइल साल्ट आता है वो मैंने बताया था कि बाइल साल्ट आकर के ब्रेस बॉर्डर के अंदर एंट्री करा करके फिर वो बाइल साल्ट बाहर ही रह जाता है, ठीक, वो उसी काइम में फिर से चला जाता है। तो बाइल साल्ट का बेसिकली एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होता। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बाइल साल्ट का एब्जॉर्प्शन स्मॉल इंटेस्टाइन में या फिर ईलियम में नहीं होता, बाइल साल्ट का एब्जॉर्प्शन लार्ज इंटेस्टाइन करती है, ठीक है। बाइल साल्ट का एब्जॉर्प्शन कौन करता है? लार्ज इंटेस्टाइन करती है। साथ ही साथ जो वाटर है इसका एब्जॉर्प्शन भी लार्ज इंटेस्टाइन करती है, ठीक। अच्छा, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे किसी चीज़ का डाइजेशन नहीं होता। देखिए बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं क्योंकि हम खाना एक्सेस में खाते हैं, आपको पता ही है ना, किसी दिन टेस्टी बन गया तो, मतलब किसी दिन टेस्टी बन गया तो कुछ ज़्यादा ही खा लेते हैं, ठीक ना। तब देखिए, हम जब ज़्यादा खाना खा रहे तो पूरी तरह से डाइजेशन होना मुमकिन नहीं है। ऐसा कोई है तो नहीं कि मशीन लगी हुई है, ढेर सारी हो गया जल्दी से। कुछ चीज़ें बन, जैसे मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट बच गया हमारा, बेसिकली यही बचता ही है,
जितने भी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, मैं पूरा लिख देता हूं, ठीक, जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं उनका डाइजेशन भी यहां पे होता है, मतलब उन्हीं का डाइजेशन यहां लार्ज इंटेस्टाइन में। ये थोड़ा सा मिक्स हो गया, मैं इसको मिटा दूं। अब बोर्ड में थोड़ी प्रॉब्लम होती है तो आप थोड़ा सा मेरे हिसाब से कर लीजिएगा एडजस्ट ना, समझिए। जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होती है उसमें सभी चीजों का डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो चुका होता है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट थोड़े से बच जाते हैं उनका यहां पे डाइजेशन होता है। लेकिन चूंकि आपको आपको पता है या नहीं वो अलग बात है, ठीक है, समझिए। ये जो लार्ज इंटेस्टाइन है ये कोई भी हार्मोन या कोई भी एंजाइम सिक्रीट नहीं करती है। अब चूंकि जब यहां पे कोई एंजाइम या कोई हार्मोन सिक्रीट नहीं होगा तो इसका डाइजेशन कैसे होगा, ये क्वेश्चन बना था ना भाई कि इसका डाइजेशन कैसे होगा। तो इसका डाइजेशन करने के लिए यहां पे कुछ गुड बैक्टीरियाज उपस्थित होते हैं। गुड बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसको खा जाते हैं, उसको छोटे छोटे फॉर्म में तोड़ देते हैं, और इसको तोड़ने पे विटामिन बी एंड विटामिन के रिलीज होता है, समझिए, ठीक है। यहां पे जो कार्बोहाइड्रेट आता है उसको यहां पे गुड कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, उन्हें हम गुड बैक्टीरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि भाई वो हेल्प करते हैं, ठीक है, हमें नुकसान नहीं पहुंचाते। यहां पे जब डाइजेस्टेड फूड यहां आता है उसमें कार्बोहाइड्रेट थोड़ा बहुत रह जाता है, तो यहां पे उपस्थित जितने बैक्टीरिया होते हैं छोटे 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 ढेर सारे, वो इस पे एक्ट करते हैं और इसको खाने लगते हैं, और खाने के बाद कार्बोहाइड्रेट को और सिंपल फॉर्म में तोड़ देते हैं, जिस वजह से विटामिन के और विटामिन बी एंड विटामिन के रिलीज होता है, जिसको हमारी जो लार्ज इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब कर लेती है, ठीक। तो यहां हमने समझा कि यहां पे वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, यानी कि इस पूरे हिस्से में जो स्मॉल इंटेस्टाइन था वहां पे कहीं भी वाटर का एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ था, वो बेसिकली काम कौन करता है, लार्ज इंटेस्टाइन करती है, ठीक। लार्ज इंटेस्टाइन वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है। इलेक्ट्रोलाइट या साल्ट, जितने भी साल्ट वगैरह हम लेते हैं बॉडी में खाते हैं या फिर जो मेडिसिन वगैरह भी लेते हैं, उन सभी का एब्जॉर्प्शन भी इसी में होता है, ठीक है। उसके बाद जो कार्बोहाइड्रेट रह जाता है, थोड़ा बहुत जो बचा रह जाता है, वो यहाँ पे आता है और यहाँ पे कुछ बैक्टीरिया जो उपस्थित होते हैं इस पूरे कोलन में, ऐसा नहीं खाली यहीं पे, ठीक है ना। यहाँ से मास मूवमेंट होता है, मास मूवमेंट मतलब ज्यादा, मास मतलब ज्यादा हिस्सा होता है, ठीक है। तो चूंकि ये पतला था तो यहाँ पे पेरिस्टाइलिसिस हुआ, थोड़ा थोड़ा बढ़ता गया, यहाँ पे ये चूंकि मोटा हो गया, अब जो ये सीकम है ये थोड़ा सा बड़ा और होता है, थोड़ा सा थैली जैसा स्ट्रक्चर होता है, तो यहां से ऊपर की तरफ खाना बढ़ेगा, धकेलेगा धीरे धीरे करके, बहुत धीरे धीरे करेगा। तो यहाँ का जो मूवमेंट है वो ज्यादा फूड को, यानी ज्यादा काइम को या ज्यादा डाइजेस्टेड फूड को ऊपर लेके जाएगा, तो उसको मास मूवमेंट कहते हैं, ठीक है। मास मूवमेंट के थ्रू ये खाना ऊपर आगे बढ़ेगा, तो यहाँ पे कुछ बैक्टीरियाज होते हैं इसके कोलन के अंदर हमेशा उपस्थित रहते हैं, वो इस खाने को खा जाते हैं, मतलब जो जितना भी है उसको और ज्यादा डाइजेस्ट करते हैं और ज्यादा ब्रेकडाउन कर देते हैं उसका, जिस वजह से जो कार्बोहाइड्रेट का ब्रेकडाउन होता है, तो वसमूस में से, मैं यहाँ रेड पेन से लिख दूं, थोड़ा क्लियर नहीं हो रहा होगा आई थिंक, तो उसमें से विटामिन बी एंड विटामिन के रिलीज होता है, जिसको हमारा जो ये कोलन है या लार्ज इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक। तो इतनी बातें क्लियर हो गई कि हमारा जो कोलन होता है वो क्या क्या काम करता है, बेसिकली एब्जॉर्प्शन का काम करता है, ठीक। अब अगर हम इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो इंटरनल स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही होता है जैसा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में था, ठीक है ना। जो आउटर लेयर होती है वो मस्कुलर लेयर होती है, वो हार्ड होती है थोड़ी सी, उसको बोलते हैं सेरोसा, ठीक ना। उसके बाद अंदर की, जब जैसे अंदर की लेयर बढ़ेंगे, या मैं चलिए मैं बना देता हूँ, आइए देखते हैं। देखिए अगर मैं इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करूँ या फिर मैं आउटर की बात करूँ, तो आउटर जो होती है वो सेरोसा बोलते हैं इसको, आपको पता ही है, आपने पहले भी पढ़ा है इसको। जो आउटर लेयर होती है वो मस्कुलर लेयर होती है, ठीक है ना, और इसको बोलते हैं सिरोसा। उसके अंदर की जो लेयर होती है उसको बोलते हैं मस्कुलैरिस प्रोपिया, मस्कुलैरिस प्रोपिया, ठीक है, मस्कुलैरिस प्रोपिया। उसके अंदर की जो ये ग्रीन वाली जो लेयर दिख रही है, मैंने ग्रीन नहीं होती है, बेसिकली मैंने बनाया है ताकि आपको क्लियर दिख सके, जो ग्रीन कलर की है इसको बोलते हैं सब म्यूकोसा, ठीक है। और जो लास्ट है, जो अंदर की है एकदम इनर मोस्ट लेयर है, उसको बोलते हैं म्यूकोसा, ठीक है। देखिए अब यहां पे जो ये आपको लाइनिंग जैसे फिंगर जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, वो ये विलाई होते हैं, आपको पता ही है,
यहाँ पे विलाई उपस्थित होते हैं और यहाँ पे म्यूकस सिक्रीट होता है लार्ज इंटेस्टाइन या फिर कोलन के थ्रू जो जो यहाँ पे काइम होता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, देखिए जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो करती क्या है, वो सारा पानी अब्जॉर्ब कर लेती है। तो ऐसे में जब स्टूल का सारा पानी अब्जॉर्ब हो जाएगा तो वो उसका जो गीलापन है या जो फिसलने जो स्लिपरीनेस है उसका वो खत्म हो जाएगा, ठीक है, तो आगे मूवमेंट नहीं हो पाएगा। उसके लिए ये जो इनर मोस्ट लेयर है यहाँ पे म्यूकस सीक्रेट होता है और म्यूकस क्या करता है उसके आस पूरे चारों तरफ लग जाता है ताकि वो कहीं पे फंसने ना पाए, उसका थोड़ा स्लिपरी वो बन जाए तो आराम से वो आगे खिसक सके, ठीक है। तो इसकी चार लेयर होती हैं, चार लेयर बेसिकली वही है आपको मैंने पहले बताया कि एलिमेंट्री कैनाल में आप कहीं भी जाएंगे तो चार लेयर ही बेसिकली मिलेंगी। ऊपर की होती है सुरोसा, ठीक है, उसके अंदर की होती है मस्कुलरिस प्रोपिया, उसके बाद होती है सब म्यूकोसा और लास्ट होती है यानी कि इनर मोस्ट होती है म्यूकोसा, ठीक है, तो इसके अंदर म्यूकस सिक्रीट होता है। अच्छा, यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है कि हमारी जो पॉटी होती है उसका कलर ब्राउन क्यों होता है, ठीक है ना। अच्छा, हालांकि अभी तो ये ग्लैंड्स का टॉपिक है लेकिन फिर भी मैं यहाँ बता दूँ, एक जिज्ञासा होती है आप लोगों की। देखिए जो हमारी जो पॉटी होती है, जो हमारा स्टूल होता है उसका ब्राउन कलर या हल्का सा पेल येलो कलर जो होता है, पेल मतलब गाढ़ा येलो कलर जो पीलापन होता है वो बिलिरुबिन के कारण रहता है, ठीक है, एक पिगमेंट होता है बिलिरुबिन। बिलिरुबिन एक्चुअली में अगर इसको हम बात करें किस चीज़ से बना होता है तो ये जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है ना RBCs, जब ये डेड हो जाती हैं, जब ये ख़त्म होती हैं तो ये बिलिरुबिन का फॉर्म ले लेती हैं। ये कहाँ बनता है, ये लीवर में बनता है, ठीक है। लीवर में क्या होता है, ब्लड जाकर के ब्लड के जो RBCs होते हैं वो डेड हो जाते हैं। डेड होने के बाद उसी डेड सेल से लीवर बिलिरुबिन सिक्रीट करता है यानी कि बिलिरुबिन का प्रोडक्शन करता है, प्रोड्यूस करता है और वो जाकर के गॉल ब्लैडर में भेज देता है। गॉल ब्लैडर में क्या भरा होता है, बाइल जूस। बिलिरुबिन बाइल जूस से मिक्स हो जाता है जाकर के, ठीक है। बिलिरुबिन क्या होता है, वो पीले रंग का पिगमेंट होता है, ठीक है, ये जाकर के बाइल जूस से मिक्स हो जाता है। बाइल जूस जब हमारे ड्यूडनम वाले हिस्से में यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन वाले हिस्से में, जब ड्यूडनम में काइम में ये बाइल जूस सिक्रीट होता है तो बिलिरुबिन भी चला आता है, ठीक। अब ये पूरे टाइम यानी कि पूरे स्मॉल इंटेस्टाइन में ड्यूडनम जेजनम और इलियम में ये कहीं भी एक्ट नहीं करता जो बिलिरुबिन होता, ठीक है, मतलब वो अलग ही नहीं होता बाइल जूस और क्या कहते हैं जो बिलिरुबिन है, ठीक है, क्योंकि साल्ट होते हैं, मतलब ये बाइल जूस तो साल्ट ही में आता है, ठीक है। तो ये जब होता है आगे जब बढ़ता है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जब लार्ज इंटेस्टाइन में जब बढ़ता है ये, तो होता क्या है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, ठीक है ना, जिसको मैंने बताया कि गुड बैक्टीरिया इसलिए क्योंकि वो अच्छा काम करते हैं इसलिए गुड बैक्टीरिया हुए, ठीक है। तो ये जो गुड बैक्टीरिया होते हैं उनका ब्रेकडाउन कर देते हैं, उनको खा जाते हैं, तो ब्रेकडाउन करने की वजह से बिलिरुबिन अलग हो जाता है, मतलब ब्रेकडाउन मतलब टूट जाता है। बिलिरुबिन जब अलग हो जाता है तो वो जो पूरा जो काइम होता है ना, जो डाइजेस्टेड फूड होता है, पूरी तरह डाइजेस्ट और अब्जॉर्ब्ड हो चुका होता है, पूरी तरह सब कुछ निकल चुका होता है उसका, उसके ऊपर लग जाता है, उसके ऊपर लगने की वजह से उसके ऊपर कवर कर लेता है। इसी वजह से हमारी जो पॉटी होती है या जो हमारा स्टूल होता है उसका कलर जो है पेल येलो या फिर ब्राउन कलर का हो जाता है, ठीक है। तो बिलिरुबिन की वजह से ऐसा होता है। इसको सिक्रीट कौन करता है, लीवर सिक्रीट करता है, ठीक है, वो जा करके गॉल ब्लैडर में। ऐसा नहीं है कि वो लार्ज इंटेस्टाइन सिक्रीट करती, नहीं, बिलिरुबिन को सिक्रीट करने का काम लीवर ही करता है। जब मैं आपको लीवर पढ़ाऊंगा तो हमें अभी अगले जो लेक्चर होगा मेरा, है ना, नेक्स्ट लेक्चर में हम अब ऑर्गन के बारे में बात करेंगे, ठीक है, जितने भी हमारे इंटरनल ऑर्गन्स, मतलब ऑर्गन नहीं, जितने भी ग्लैंड्स हैं उन सभी के बारे में बात करेंगे। आज मेरी थोड़ी तबीयत नहीं सही है तो मेरा थोड़ा हो सकता है कि थोड़ा क्योंकि आपकी क्लास छूट रही थी इस वजह से मैंने आज ली, हालांकि मेरा बहुत मन नहीं था, है ना, आप समझ ही सकते हो, तबीयत खराब होने में थोड़ा दिक्कत होती है तो बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है ना, बाकी तो सही है। अब देखिए जो अगली क्लास होगी आपकी उसमें ग्लैंड्स बढ़ाएंगे हम, ठीक है, जितने भी ग्लैंड्स हैं अब हम, क्योंकि अब डाइजेशन में जितने ऑर्गन्स थे उसको मैंने पढ़ा लिया, मैंने आपको बताया था डाइजेशन के ऑर्गन्स पे पढ़ाऊंगा, उसके बाद में हम बात करेंगे जो है कि जितने भी ग्लैंड्स हैं उनके बारे में, और इस तरह से हमारा जो डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है टॉपिक ख़त्म हो जाएगा पूरी तरह, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल के लेक्चर में या फिर जो भी अगला लेक्चर आने वाला है, ठीक है ना, ग्लैंड्स के बारे में। जो भी कमेंट हैं, जो भी प्रॉब्लम्स रही हैं आपके इस टॉपिक्स में, उसे प्लीज़ आप कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछें। और हाँ, एक बहुत बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारा जो लाइव सेशन है जो गूगल या यूट्यूब की तरफ से वो पोर्टल ऑन कर दिया गया है, आप लोग का सहयोग रहा उस वजह से भी बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों की वजह से, आप लोग के सहयोग की वजह से ऐसा हो पाया है, ठीक है, क्योंकि ये नया अभी जस्ट नया नया चैनल है ये, और इतनी बड़ी अचीवमेंट मेरे लिए है। मैं बहुत कल खुश था क्योंकि कल गूगल की तरफ से या फिर यूट्यूब की तरफ से मैं एक मेल आया मुझे
और उसमें कॉन्ग्रेचुलेशन था और मेरा जो है लाइव पोर्टल ऑन हो गया है, तो जल्दी ही हम लाइव मिलेंगे। आप थोड़ा सा और हौसला रखें और थोड़ा सा सब्सक्रिप्शन में जितने भी सब्सक्राइबर हैं कोशिश करें कि आप प्लीज़ शेयर करें, ठीक है, सॉरी कोशिश करें कि आप प्लीज़ शेयर करें उसे, और थोड़ी और संख्या बढ़ेगी तो और मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। मेरी हम कह सकते हैं मेरी सैलरी यही है ना, जितना ना आप शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, और जो भी शिकायतें हैं, जो भी कमियां रह जा रही हैं मुझसे, उसे प्लीज़ कमेंट करें, मैं उनमें सुधार करूंगा, मैं और बेहतर से बेहतर देने का प्रयास करूंगा आपको, ठीक है। आप थोड़ा सा हौसला बना कर रखेंगे और प्लीज़ लाइक ज़रूर किया करें, जो भी लोग वीडियो देखते हैं प्लीज़ लाइक करें उसे, ठीक है ना। थोड़ा सा समय निकाल के आप देख लें, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल होगा आपके डेली लाइफ में या फिर आपके स्टडी में, अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा वक्त निकालें, ठीक है। तो मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।